जीत के गैरों तेरी हमारी मांगे पूरी हो। कांग्रेस सरकार हमारी मांगे पूरी। राजस्थान मदरसा पैराडी प्रदेश महासचिव और संयुक्त संघर्ष समिति का जिला प्रवक्ता। आज हमारा यहाँ बाड़मेर जिले में संयुक्त चौथा दिन है धरने का और पूरे राजस्थान में हमारे धरना चल रहा है। 33 जिलों में आज चौथा दिन है। आज हमने गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया था झाड़ू का, वो तो हमने आज भी सफाई की है और झाड़ू निकाल कर इस सरकार को जगाने का प्रयत्न किया है कि हम पिछले 20 साल से बड़े मुश्किल हालातों से जी रहे हैं। हमें मात्र 7,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है और इसी सैलरी में हमें हमारे घर चलाने पड़ते हैं। मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी जो हम ये तीन कैडर हैं जो बहुत दूर ढाणियों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। आज वहाँ पे अगर कोई परमानेंट टीचर भी नहीं जाना चाहता है, उन दौरों में हम शिक्षा की अलग जगा रहे हैं और हमें मात्र 7,200 से लेके 8,500 रुपये तक का वेतन मिल रहा है। इस वेतन में हमारा जीवन यापन करना मुश्किल होता है। मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की सरकार है जो इलेक्शन मोड पे थी, उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम संविदा निविदा कर्मियों का नियमित करेंगे और उस घोषणा पत्र को याद दिलाने के लिए हमने ये धरना दिया है, क्योंकि सरकार अपना एक साल पूर्ण करने को जा रही है लेकिन सरकार ने अभी तक सिर्फ एक कमेटी नाम मात्र की बनाई है, उसके अलावा कोई हमारा काम नहीं किया है। जो हमें बजट में पूर्ण विश्वास था कि सरकार हमारे नियमितीकरण की घोषणा करेगी और वरना नहीं तो कम से कम हमारा सम्मानजनक मानदेय बढ़ाएगी जरूर, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने हमारा नाम तक नहीं लिया, सिर्फ ये बोला कि कमेटी बना दी गई है। कमेटियाँ तो खूब बनी, कितनी कमेटियाँ बनती है और उन कमेटियों का कितना काम होता है वो हम सब जानते हैं। गुज़िश्ता सरकार वसुंधरा राजे ने भी कमेटी बनाई थी जिसने 5 साल पूरे लिए और कुछ भी नहीं किया, तो हम इस कमेटी से क्या उम्मीद करें कि ये कमेटी हमारा काम कर देगी या हमें नियमित कर देगी। कम से कम हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी काम नियमों से होगा, लेकिन सरकार सैलरी बढ़ाने में कौन से नियम आ जाते हैं। आज विधायक का कोई भत्ता बढ़ाना हो या तो वो थेपे सब दबा कर उसको दवनी मंत्र से पारित कर देती है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, पर हमारे लिए सारे नियम आड़े जाते हैं। मंत्री जी बोलते हैं कि नियमों के अनुसार होगा, तो नियम कब आएंगे आपके? और किसी विभाग के तो कार्मिकों की सैलरी बढ़ा दी जाती है और किसी को यूं ही छोड़ दिया जाता है, ऐसा कैसा अन्याय क्यों होता है? जब नियम है तो सभी के लिए बराबर होने चाहिए, तो हमारे लिए नियम क्यों आड़े आ रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम पिछले 4 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं, आगे 28 तारीख तक हमारा यही प्रोग्राम है। अलग अलग तरीके से हम सरकार को जगाना चाहेंगे, अगर सरकार नहीं जगेगी तो 29 तारीख से हम महापड़ाव डालेंगे जाके जयपुर में। उस समय फिर हम कहाँ जाएंगे, विधानसभा में जाएँ चाहे मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करें या कुछ भी कर सकते हैं या और भी दूसरे हथकंडे अपना सकते हैं या फिर सरकार से जाए और हमें तुरंत से तुरंत